एक बार है ना एक इंसान था जो एक बार एक इंसान था, वो हमेशा भगवान में मानता था कि भगवान प्लीज मेरे लिए ये कर दो, भगवान ये कर दो, मेरी सारी इच्छा पूरी कर दो, वैसे। ओके, तो वो एक बार बाहर निकला, स्कूटी लेके बाहर निकला। उसने साइड में देखा कि एक इंसान कुत्ते को मार रहा, पीट रहा है डंडे से। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्लीज ये कुत्ते को बचा लो, और फिर वो आगे निकल। फिर उसने एक देखा कि एक लड़की थी जो है ना घर से कचरा बाहर निकाल रही थी, तो उसने यूं ही सारा कचरा बाहर फेंक दिया रस्ते में। तो वो बोला, भगवान देखो ये कैसा हो रहा है, आजकल सब लोग रस्ते पे ही कचरा डाल रहे हैं। फिर वो थोड़ा आगे गया ना, तो उसे एक पुलिस मिला। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है आपका लाइसेंस, दिखाओ चलो। तो उसी इंसान ने बोला कि नहीं है, प्लीज जाने दो ना। तो फिर पुलिस ने बोला, नहीं 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 2,000 का फाइन दो। तो वो इंसान बोला, नहीं 200 रुपये फाइन दो, मैं चलो। उसने रिश्वत, ठीक है, रिश्वत पूरी दे दी। फिर वो आगे गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भगवान के पास चला गया, मर गया। तो फिर भगवान ने, फिर वो इंसान ने पूछा भगवान से कि है ना इतना सारा नीचे देखो क्या हो रहा है, सब इतनी गंदगी कर रहे हैं, सब एनिमल्स को, जानवर को मार रहे हैं, क्या एकदम भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो उसने बोला, हाँ। तो फिर इंसान ने बोला कि मैंने आपको कितनी बार याद किया, लेकिन आपने मेरी मदद क्यों नहीं की, आपने किसी को क्यों नहीं किया। तो भगवान ने बोला, मैंने तुझे ही तो भेजा था उन सबकी मदद करने के लिए, लेकिन तूने क्या किया, तूने तो खुद ही रिश्वत दे दी, तो ये बुरी बात की ना उसने। तो भगवान ने बोला, मैं अपने फरिश्ते देता हूँ, मैं खुद मदद नहीं करता, मैं मदद करने के लिए आप जैसे लोगों को भेजता हूँ। इसलिए अगर आप लोग कभी भी किसी को मुसीबत में देखो ना, तो आप ऐसा मत बोलो, अरे नहीं ये क्या हो रहा है, भगवान बचा लो। आप खुद उनको मुसीबत में से मदद करके बाहर। स्टोरी फिनिश। मदद मांगी, कितनी बार मैंने आपको बुलाया, मैंने आप आए ही नहीं थे, भगवान ने
त्रिशूल लेके आ जाएंगे, डमरू बजाते बजाते सब सब लोग क्या करेंगे? डरेंगे नहीं ना, उनको बिलीव ही नहीं होगा कि भगवान जी है। श्री कृष्ण भगवान ऐसे बांसुरी लेके आएंगे, क्या बिलीव करोगे? श्री कृष्ण भगवान या कोई भी भगवान क्या करते हैं? नहीं पीछे जाओ, ये क्यों हुआ? मैं आपको क्या बोल रही, भगवान ने क्या बोला कि मैं थोड़ी ऐसे आऊंगा इस कश्यप में, मैं तो अपने फरिश्ते भेजता हूँ, मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ, तो मैंने तुम्हें मेरे फरिश्ते के रूप में भेजा था, तो अगर कुछ बुराई को रोकना है, जैसे कुत्ते को मारते हुए रोकना है, तो क्या करना है? कुछ बुरा कर रहा है तो आपको जाके बोलना है कि ऐसा मत करो, उसको बचाने की कोशिश करनी है। अगर आप बचाने जाओगे तो मैं आपसे ताकत करूंगा, तो वो मेरा बेसिक ही हुआ ना। भगवान थोड़ी आके बोलेंगे छा 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 मैं तेरे पीछे हूँ, ऐसा थोड़ी बोलेंगे नहीं ना। तो भगवान ने आपको बनाया, इतना मिरेकल वाला दो हाथ दो पैर दिमाग आंखें नाक कितना अच्छा दिया है, तो काम किसको करने का? भगवान ने तो एक बार बना दिया खत्म बात, तो बार बार भगवान को मांग के भिखारी मत बनो। मम्मी पापा ने आपको बनाया, आपको इतना अच्छा बनाया, मतलब पैदा किया और इतने अच्छे संस्कार दिए, तो अभी आपको मम्मी पापा को क्या देना है? प्यार देना है, नाम कमा के देना है उनके लिए सरप्राइज, जैसे मेरे लिए आप कार्ड बना के आए, मम्मी पापा को सरप्राइज देते जाओ, तो ऐसे ही भगवान भी आपके मम्मी पापा है ना। हाँ तो पापा को सरप्राइज देना है ना। चलो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ फादर्स डे की सरप्राइज का। और मुझे मैसेज करके बताना कि हमने पापा को विश किया। जय माता।